वेलकम टू INTCBT। मेरा नाम अमित एरन है और आज जो हम टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं वो है आपका विंडोज 7 एडिशंस पार्ट 2। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर बात किया करी थी विंडोज 7 की हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स के बारे में कि विंडोज 7 को इंस्टॉल करने के लिए उसकी मिनिमम हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं। आज जो हम बात कर रहे हैं वो विंडोज 7 के एडिशंस के बारे में बात कर रहे हैं। एक बार आपने चेक कर लिया कि आपका जो सिस्टम है, आपका जो कंप्यूटर है, वो विंडोज 7 की हार्डवेयर रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है, तो उसके बाद आपको ये डिटरमाइन करना पड़ेगा कि आप विंडोज 7 का कौन सा एडिशन इंस्टॉल करने वाले हैं, क्योंकि विंडोज 7 जो है डिफरेंट डिफरेंट 6 एडिशंस में अवेलेबल है। जैसा आप यहां देख सकते हैं कि स्टार्टर, होम बेसिक, होम प्रीमियम, प्रोफेशनल, इंटरप्राइज और अल्टीमेट। जैसे जैसे आप लेफ्ट से राइट की ओर जाएंगे तो आपके जो फीचर होंगे वो क्या होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। हम जो बात करते हैं विंडोज विस्टा के बारे में बात करते हैं, तो अगर विंडोज विस्टा के अंदर हम देखेंगे कि अगर कोई भी ऐसा फीचर जो कि होम प्रीमियम में अवेलेबल है, बट आप देखेंगे कि वही फीचर आपको प्रोफेशनल और इंटरप्राइज एडिशन के अंदर नहीं मिलेगा। विस्टा के अंदर प्रोफेशनल एडिशन ना होते हुए उसका नाम बिजनेस एडिशन था, तो मतलब कि कोई ऐसा कोई भी फीचर जो कि आपके होम प्रीमियम में अवेलेबल है वो आपको प्रोफेशनल और इंटरप्राइज के अंदर नहीं मिलेगा, बट विंडोज 7 में ऐसा केस नहीं है। जैसे जैसे आप लेफ्ट से राइट की ओर जाएंगे तो हर फीचर जो कि प्रीवियस एडिशन में अवेलेबल था वो नेक्स्ट एडिशन में आपको मिलेगा ही मिलेगा। ओके, अब हम एक एक करके इन सभी एडिशंस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले जो हम बात कर रहे हैं वो है आपका स्टार्टर एडिशन। स्टार्टर एडिशंस के बारे में बात करते हैं तो इन USA दिस एडिशन इज ओनली अवेलेबल ऑन स्मॉल नोटबुक पीसीज। दिस स्मॉल नोटबुक पीसीज यूजुअली सेल फॉर only a few hundred dollars and great for mobile user that only want to access the internet, write document and send email। मतलब कि ये है कि USA में maximum आपको जो mostly जो मिलेगा starter edition वो USA में मिलेगा, और USA में ये जो edition है वो small notebook PCs में available है, और ये जो small notebook PCs जो है वो केवल ओनली फ्यू हंड्रेड डॉलर्स में, कुछ ही डॉलर्स में बेचे जाते हैं। और ये जो स्मॉल नोटबुक पीसीज जो है वो किनके लिए ग्रेट है, मतलब कि मोबाइल यूजर जिनको कि केवल इंटरनेट एक्सेस करना है या कुछ डॉक्यूमेंट लिखना है या फिर ईमेल सेंड करना है, मतलब कि ऐसे यूजर जिनको कि क्या करना है, केवल एक सिंपल बेसिक बेसिक काम करना है, उनके लिए ये एडिशन परफेक्ट है। अब इस एडिशन के फीचर्स के बारे में बात करें तो इस एडिशन में आप देखेंगे कि स्टार्टर एडिशन जो है वो 64 बिट में अवेलेबल नहीं है। दूसरी चीज, ये जो सपोर्ट करता है केवल एक सीपीयू को ही सपोर्ट करता है। इसके अलावा इसमें ना कोई एरो फीचर है और ना ही कोई डीवीडी प्लेयर और मीडिया सेंटर का इसके अंदर फीचर अवेलेबल है। ओके, अब जो हम बात करते हैं नेक्स्ट एडिशन के बारे में बात करते हैं जो कि है आपका होम बेसिक एडिशन। इट इज अवेलेबल ओनली इन इमर्जिंग मार्केट्स लाइक ब्राजील, थाईलैंड एंड मेक्सिको। मतलब कि यह है कि जो होम बेसिक एडिशन है वो आपको पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा, वो केवल इन कुछ ही कंट्रीज में बेचा जाता है, जैसे कि आपकी ब्राजील हो गई, थाईलैंड हो गई और मेक्सिको, इन्हीं कंट्रीज में यह अवेलेबल है। इसके फीचर्स के बारे में हम बात करते हैं तो होम बेसिक जो एडिशन है वो 64 बिट में अवेलेबल है। इसके साथ ही ये एक सीपीयू को सपोर्ट करता है, और इसमें जो एरो है फीचर जो है वो पार्शियल एरो फीचर है, यानी कि सारे एरो फीचर्स इसके अंदर अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा इसमें ना कोई डीवीडी प्लेयर का सपोर्ट है और ना ही कोई मीडिया सेंटर फंक्शनैलिटी इसके अंदर सपोर्टेड है। ओके, अब जो हम बात करते हैं नेक्स्ट एडिशन के बारे में बात करते हैं वो है आपका होम प्रीमियम। होम प्रीमियम इट इज एम्ड एट
होम यूजर मार्केट दिस एडिशन सपोर्ट मोर फीचर अ होम यूजर वुड वांट। मतलब कि ये जो एडिशन है वो किसके लिए डिजाइन किया गया है, पूरा होम यूजर्स के लिए डिजाइन किया गया है, और इस एडिशन के अंदर वो सारे फीचर मिल जाएंगे जो कि एक होम यूजर को चाहिए। इसके कुछ बेसिक फीचर्स के बारे में बात करते हैं, तो वो है जैसे एक भी 64 बिट के वर्जन के अंदर अवेलेबल है, ये 1 सीपीयू को सपोर्ट करता है, और इसके अंदर सभी एरो फीचर्स को सब फीचर्स अवेलेबल है। इसके साथ ही इसके अंदर डीवीडी प्लेयर और मीडिया सेंटर फंक्शनैलिटी भी अवेलेबल है। ओके, अब जो हम बात करते हैं नेक्स्ट एडिशन के बारे में बात करते हैं, जो कि आपका प्रोफेशनल एडिशन है। इट इज द फर्स्ट एडिशन एम्ड एट द बिजनेस मार्केट, नॉट डस इंक्लूड ऑल द प्रीवियस फीचर ऑफ द अदर एडिशन बट इट एड्स मोर एक्स्ट्रा फीचर। मतलब कि ये पहला एडिशन है जिसको कि आपके बिजनेस के लिए डिजाइन किया गया है, और इसके अंदर वो सारे फीचर तो मिलेंगे जो कि प्रीवियस वर्जन में अवेलेबल थे, और उसके साथ साथ इसमें कुछ और एडिशनल फीचर्स भी आपको मिलेंगे। जैसे कि हम कुछ फीचर्स के बारे में बात करते हैं, जैसे कि ये भी सेम 64 बिट के अंदर अवेलेबल है, बट ये जो सपोर्ट करता है 2 सीपीयू को सपोर्ट करता है। बट एक बात ध्यान रखिएगा, बट सारे एडिशन जो है वो मल्टी कोर सीपीयू को सपोर्ट करते हैं। ओके, इसके अलावा इसमें एरो फीचर्स तो ही है, डीवीडी और आपको डीवीडी प्लेयर और मीडिया सेंटर की फीचर तो मिलेंगे ही, साथ में कुछ एडिशनल फीचर मिलेंगे। जैसे कि हम बात करें कि आप इस आपके जो क्लाइंट्स को है वो डोमेन में ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आपको एक ग्रेट फीचर मिलेगा जो कि आपका है विंडोज एक्सपी मॉड। ओके, अब हम जो बात करते हैं दो लास्ट टू एडिशंस के बारे में बात करेंगे, एंटरप्राइज और अल्टीमेट। आप देखेंगे कि दोनों ही जो एडिशंस हैं वो फीचर वाइज तो क्या है, सेम है। देखिए दोनों के अंदर एक्सपी मोड है, एप लॉकर भी दोनों के अंदर अवेलेबल है, बिट लॉकर भी दोनों के अंदर अवेलेबल है, डायरेक्ट एक्सेस की बात करें तो वो फीचर भी दोनों एडिशंस के अंदर अवेलेबल है, वर्चुअल हार्ड डिस्क का फीचर भी दोनों के अंदर अवेलेबल है, ब्रांच कैशे का फीचर भी दोनों के अंदर अवेलेबल है। तो बात आती है कि दोनों में डिफरेंस क्या है, तो ये हम देखते हैं। इन फीचर वाइज द एंटरप्राइज एंड अल्टीमेट एडिशन आर द सेम, द एक्चुअल डिफरेंस बिटवीन द टू एडिशन इज द वे देयर लाइसेंस। मतलब कि फीचर वाइज तो दोनों ही एडिशन सेम है, बट डिफरेंस कायम है दोनों के लाइसेंसिंग टाइप में डिफरेंस है। बात करते हैं तो द एंटरप्राइज एडिशन इज ओनली अवेलेबल टू कस्टमर दैट यूज माइक्रोसॉफ्ट वॉल्यूम लाइसेंसिंग। मतलब कि एंटरप्राइज जो एडिशन है वो उन्हीं कस्टमर के लिए अवेलेबल है जो कि वॉल्यूम लाइसेंसिंग परचेस करते हैं। जैसे कि बात करें कि आपने विंडोज 7 के आप जो है 1000 लाइसेंस खरीदना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में आप एंटरप्राइज एडिशन खरीद सकते हैं। ओके, बट बात करें अल्टीमेट एडिशन, अल्टीमेट एडिशन वो केवल रिटेल में अवेलेबल है। द अल्टीमेट एडिशन इज अवेलेबल वाया रिटेल। मतलब कि अगर आप एक लाइसेंस खरीदना चाहते हैं विंडोज 7 का, तो उस कंडीशन में आपको एंटरप्राइज एडिशन नहीं मिलेगा, आपको क्या खरीदना पड़ेगा, अल्टीमेट एडिशन खरीदना पड़ेगा। ओके, इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।